Hello again, in the third video of crop production and management. Last two videos में हमने crop, उसकी definition and पहले तीन steps जो कि crop production में involved थे उनके बारे में detail study की थी. इस video में हम बचे हुए steps के बारे में detail study करेंगे. अगर आपने पहले दो video नहीं देखे हैं तो आपके सामने आए हुए I button में जाके आप उसे देख सकते हैं. So let's start our video. The fourth step that is involved in crop production is irrigation. So what is irrigation? The supply of water to crops at different interval is known as irrigation. The supply of water to the crops at different time interval. अब ये जो time interval है वो crop to crop, soil to soil and season to season वराई हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. As we know that the requirement of water is not same for two different crops. Also, कुछ soil होती है जिनकी water holding capacity ज़्यादा होती है और कुछ soil की water holding capacity कम होती है, जिसकी वजह से water के supply करने का जो time interval होता है वो वराई होता है, वो अलग अलग होता है. As we know that इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री और जिसकी वजह से देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग इरिगेशन मेथड्स पाई जाती थी. बट मोस्ट ऑफ दिस इरिगेशन मेथड वर एनिमल एंड ह्यूमन ओरिएंटेड. ये सभी जो इरिगेशन मेथड थे इसमें एनिमल लेबर या ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज ऑफ विच इट वर लेस एफिशियंट एंड चीपर. Some of the traditional method of irrigation you can see on your screen. Now, as this method were less efficient, after the arrival of new technologies, the more efficient ways of irrigation has been used by the farmers. जिसमें से हम दो irrigation system के बारे में पढ़ने वाले हैं. The first is sprinkler system and the second one is drip irrigation system. Sprinkler system of irrigation. This system was useful on uneven land where water was not sufficient. इस system में एक perpendicular pipe जिसके top पर एक nozzle लगी हुई रहती थी main pipeline के साथ जोड़ दी जाती थी और different intervals में field में लगा दी जाती थी. जब मेन पाइपलाइन में से पानी को छोड़ा जाता था तब नोजल्स में से पानी बाहर आता था जैसे बारिश हो रही हो, बिकॉज ऑफ विच द नेचुरल एटमॉस्फेयर कैन बी क्रिएटेड. इन दिस मेथड वाटर इज यूज्ड मोर कंपेयर टू द अदर इरिगेशन सिस्टम, बट ये सिस्टम सैंडी सॉइल्स के लिए, रेतालू जमीन के लिए ज्यादा यूजफुल थी. The second system of modern irrigation technique is drip irrigation system. Like this name, इस system में water drop by drop plant के root के नजीक ही गिरता था. जो plants की जड़ होती थी उनके नजीक ही main pipeline में अलग अलग hole कर दिए जाते थे, जिससे जब water को flow किया जाता था तो drop by drop पानी उस वो प्लांट के जड़ के नजीक गिरता था. दिस मेथड वर यूजफुल फॉर सेविंग लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विच ऐसी जगह जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी ये इरिगेशन टेक्निक एक वरदान साबित होकर आई है, जिसकी वजह से वहां पे पानी की बहुत ज्यादा बचत भी पॉसिबल हो सकी है. दिस सिस्टम वॉज यूजफुल फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स, फ्रूट्स etc. The fifth step of crop production is protection of crop from the weeds. Now let us discuss first what are weeds. The undesirable plant that grow along with the main crop is known as weeds. ये सारे plants हमेशा main crops के साथ ही grow हो जाते हैं undesirably. These crops are useless and they compete with the main crop for sunlight, space, nutrients and water, because of which they are completely harmful for our
क्रॉप और इन प्लांट्स की फार्मर को कोई जरूरत होती नहीं है. सो इट इज मैंडेटरी टू रिमूव दिस अननेसेसरी प्लांट्स. द रिमूवल ऑफ दिस अनडिजायरेबल प्लांट इज नोन एज वीडिंग. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी टेक्निक्स टू रिमूव दिस वेड्स इन विच दे यूज द ट्रेडिशनल टूल्स लाइक सिकल और खुरपी टू रिमूव द वीड्स. इन वीड्स को हटाने का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स. इनके ऊपर फूल आने के पहले ही अगर हम वीड्स को निकाल लें सो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस. नाउअडेज मेनी केमिकल्स हैड ऑल्सो बीन इन द मार्केट विच हेल्प अस गेटिंग रीड ऑफ दिस वीड्स. दिस केमिकल्स आर नोन एज वीडिसाइड्स. ये जो केमिकल्स होते हैं ये हम डायरेक्टली क्रॉप्स के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं. एज ये सभी क्या है वीडिसाइड्स, तो वो क्रॉप को कोई नुकसान पहुंचाते नहीं है बट उसके साथ आए हुए वीड्स को अनडिजायरेबल प्लांट को वो खत्म कर देते हैं. बट एज दिस वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस व्हाइल स्प्रेइंग देम ऑन द क्रॉप्स. हमें यानी कि फार्मर को हमेशा वीडिसाइड स्प्रे करने के पहले मास्क लगा लेना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इट विल अफेक्ट ऑन हिज हेल्थ. द सिक्स स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग. सो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? As we know that normally a cereal crop takes 3 to 4 months to become mature और mature हो जाने के बाद इन crops को काटना होता है. So the cutting of crop after it become mature is known as harvesting. In India harvesting is done mostly manually by sickle or some of the farmers also use the machine called harvester. Now after harvesting the crop it is required to separate the grain seeds from the chaff of the crop. This process is known as threshing. Many of the farmers use thresher or a machine called combine for the process of threshing. Now this combine is actually the combination of harvester and thresher. Many of the farmers who cannot afford this heavy machineries use the method of winnowing for their threshing of the grain seeds. Now as we know that farmer took all its efforts, अपनी सारी मेहनत वो इस क्रॉप को ग्रो करने में लगा देता है. So when this come time of harvesting it is a very joy and enthusiasm for the farmer. जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का टाइम होता है जिसे वो मोस्टली एक त्योहार के रूप में मनाकर अपनी खुशी जाहिर करता है. इन इंडिया मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स और जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स. The main festivals which are actually harvesting festival are Holi, Diwali, Pongal, Bihu, Nabanya are actually a harvesting festival. The last step in the crop production practice is storage of crops. Now as we know that कि पूरी मेहनत करने के बाद अगर हम किसी चीज को अच्छे से स्टोर ना करें तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है. लाइकवाइज जो क्रॉप्स होते हैं फॉर देम स्टोरेज इज वेरी नेसेसरी. मेनी ऑफ द फार्मर्स स्टोर देयर क्रॉप्स इन मेटालिक बीन्स और जूट बैग्स. इसके अलावा कई फार्मर्स बड़ी बड़ी ग्रेनरीज एंड साइलोस का भी इस्तेमाल करते हैं. Now we should know that ये सारे crops को अलग अलग factors affect करते हैं like moisture, insects, rats,
एटसेट्रा एटसेट्रा। हमको इन क्रॉप्स को इन सभी फैक्टर से संभाल के रखना होता है। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप उसे हम अच्छे से सुखाए नहीं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जर्मिनेशन करने की एबिलिटी तक खो सकता है। कई बार फार्मर्स बड़े गोडाउन का यूज अपने क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए करते हैं, बट इट इज वेरी रिक्वायर्ड टू यूज द केमिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट टू स्टोर दैट फूड और क्रॉप। एज वी नो दैट कि हमारे घर में भी जब हम पूरे साल का राशन भराते हैं तो जो राशन है उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, ताकि वो राशन पूरे साल तक किसी भी तरह से बिगड़े नहीं।